Hey guys, welcome back to my new vlog. अभी रात के 2 बजे हैं और हम मरीन ड्राइव पे अभी घूम रहे हैं, यहाँ से क्रॉस कर रहे हैं। तो अभी हम चलेंगे कांटी फैक्ट्री रोड जो कि भूतनाथ में है, पटना में। तो वहाँ का पंडाल दिखाएंगे आपको, तो चलिए चलते हैं वहाँ पे और दिखाएंगे वहाँ का पंडाल जो कि काफ़ी भव्य रूप से सजाया गया है वहाँ पे। अब हम थोड़ी देर में वहाँ पहुँच जाएंगे, तो चलिए चलते हैं। तो फाइनली अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं भूतनाथ। आप यहाँ देख सकते हैं कितना सुंदर ढंग से सजाया गया है, पूरा रोड से लेकर के अंदर जहाँ जहाँ पंडाल बना हुआ है वहाँ पूरी सुंदर ढंग से सजाया गया है इस मूर्ति को, इस पंडाल को। तो चलिए अभी और अंदर चलते हैं और दिखाते हैं। ये देखिए कितना सुंदर ढंग से सजाया गया है, पूरे गली को लाइट से सजाया गया है जो कि बहुत सुंदर दिख रहा है यहाँ पे। और पूरे पंडाल को पीले कलर से बनाया गया है जो कि पूरा गोल्डन गोल्डन दिख रहा है। चलिए अभी अंदर चलते हैं और माता का दर्शन करवाते हैं आपको। बहुत ही सुंदर व्यू है, ऐसा लग रहा है जैसे सोने का बनाया गया है इसको, गोल्डन गोल्डन हो चुका है यहाँ पे। तो चलिए चलते हैं अंदर और करवाते हैं माता जी का दर्शन। पूरे पंडाल को अच्छी तरह से देख लीजिए, आप चलते हैं अंदर। अभी रात के 2:30 बजे हैं और हम 2:30 बजे रात में घूम रहे हैं अभी सिर्फ आपके लिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा और शेयर करते रहिएगा और वीडियोस को लाइक भी करते रहिएगा। तो मैं माता का दर्शन करवाता हूँ अभी, चलिए अंदर चलते हैं। ये देखिए कितना सुंदर ढंग से सजाया गया है इस पूरे पंडाल को, आप माता जी का दर्शन कर लीजिए। यही है ये पंडाल और यहाँ की देवी मैया। यहाँ से निकलने के बाद हम लोग फिर चलेंगे एक और पंडाल। तो फाइनली अब हम दूसरे पंडाल में पहुंच चुके हैं। आप यहां से भी व्यू देखिए सर, कितना सुंदर लग रहा है देखने में। एक बीच में चिड़िया उड़ रही है, लाइट के द्वारा उड़ाया गया है उस चिड़िया को। और लाइटिंग देखिए कितना लाइटों से सजाया गया है यहाँ पे, जो काफ़ी भव्य लग रहा है देखने में। आप यहाँ का जरूर देखिएगा इस पंडाल को, बहुत ही सुंदर ढंग से सजाया गया है इस पंडाल को। मेन रोड से लेकर के अंदर तक काफ़ी सुंदर लग रहा है एकदम, लाइट ही लाइट लगाया गया है इस पंडाल के लिए, जो कि काफ़ी भव्य काफ़ी सुंदर लग रहा है। और ये इस पंडाल को भी गोल्डन कलर से बनाया गया है। तो चलिए चलते हैं अंदर और दिखाते हैं इस पंडाल को भी। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है देखने में, बहुत ही मस्त व्यू है यहाँ का। लाइटिंग तो ज़बरदस्त किया गया है यहाँ पे, मंत्रमुग्ध हो जा रहा है यहाँ देख करके। तो चलिए अभी चलते हैं अंदर और दिखाते हैं देवी मैया को, और भी लगता है कुछ है अंदर में। तो चलिए चलते हैं अभी अंदर दिखाते हैं। देखिए चारों तरफ गोल्डन लाइट लगाया गया है, जो पंडाल पूरा गोल्डन गोल्डन दिख रहा है चारों तरफ, बहुत ही मस्त दिख रहा है यहाँ पे। ये देखिए उस साइड में कुछ झरना भी बह रहा है यहाँ पे। हाँ, भगवान भोलेनाथ विराजमान है, उनके ऊपर गणपति बप्पा है, नीचे में दुर्गा मैया है। पहाड़ बनाया गया यहाँ पे, पहाड़ पे चारों तरफ पहाड़ पे देवी देवताओं देवी देवता बैठे हुए हैं। देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में, बहुत ही मस्त लग रहा है। एक झरना ही बह रहा है ऊपर से, अवेशम बहुत अच्छा लग रहा है एकदम देखने में। देख करके तो मज़ा ही आ गया यहाँ पे, ऐसा पंडाल तो और अभी कभी देखे नहीं है पटना में अभी तक। बहुत ही सुंदर ढंग से सजाया गया है इस पंडाल को, आप मैया का दर्शन कर लीजिए अच्छे ढंग से। तो वही
अब देवी मैया का दर्शन कीजिए जो कि इसी पंडाल में है। भोलेनाथ आगे में विराजमान थे, अब देवी मैया थोड़ी पीछे ही है। ये देखिए बहुत सुंदर दृश्य है। पंडाल के ऊपर में झूमर भी लगाया गया है और चारों तरफ पंडाल में पीला पीला लाइट लगाया गया है जो काफी प्यारा लग रहा है देखने में। यही है यहाँ का व्यू। तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा, वीडियो को लाइक करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा। अभी और मैं दिखाऊंगा यहाँ का दूसरा पंडाल जो कि बोरिंगगढ़ में है और डगमगला में है, तो वहाँ नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा।